अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये देखें, ये आप देख रहे हैं कि ये प्राडो है 2018 वाली शेप, 19-20 तक यही आई है। अब आप सोच रहे होंगे ये प्राडो तो पुरानी शेप होगी, 2012-13 वाली इसको कन्वर्ट किया गया। जी नहीं सर, ये है 2003 वाली शेप, 2001-2003 में जो आई थी FJ120, ये उसको 2020 के अंदर कन्वर्ट किया हमने। ये आई थिंक फर्स्ट गाड़ी होगी पाकिस्तान के अंदर जिसको 2020 में 2001 से लेके 2020 तक कन्वर्ट किया गया। आपको ये आइडिया हो जाएगा, ये देखें बॉडी क्लैडिंग से आपको पता चल जाएगा, ठीक है, बॉडी क्लैडिंग से भी अंदाज़ा हो जाएगा। और इसकी ये इंटीरियर से भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर टेस्ला भी इंस्टॉल किया गया, ठीक है। ये आपको मैं इसका इस मॉडल है कि देखें, ये देखें फ्रंट से आपको लुक ऐसे दे रहा है जैसे ये 2020 वाली शेप है या 18 वाली शेप है, ये आपको लग रहा है, ठीक है। लेकिन अब आपको जब इसकी मैं शेप दिखाऊंगा, ओरिजिनल जो इसकी शेप थी, इससे पहले ना आज तक कभी किसी ने कन्वर्ट की है और ना अभी तक किसी ने सोचा, लेकिन टीम कार गुरु ने अल्हम्दुलिल्लाह इस काम को कर दिखाया है। ये बेसिकली 2003 वाली शेप है प्राडो की, ठीक है, GX मॉडल है जिसको हमने 2020 वाली शेप के अंदर कन्वर्ट किया। अब ये देखें, आपको इसके हैंडल्स देखें, ये FJ120 भी जिसे कहा जाता है, ठीक है। आप इसका ये इंटीरियर देखें, अभी इसका काम अंडर प्रोसेस है, तो इस दौरान ही मैंने इसकी वीडियो बनाने मैंने कहा सोचा बना लूँ, फिर कंप्लीट हो जाएगी, टाइम नहीं होता, आज टाइम था तो मैंने वीडियो बना ली। ये आप इंटीरियर देख सकते हैं, ये प्राडो FJ120 2001-2003-2004-2005 मॉडल तक ये गाड़ी आई है, ठीक है। ये देखिए टेस्ला लगा हुआ है इस गाड़ी के अंदर, आपको इंटीरियर से अंदाज़ा हो जाएगा ये FJ120 2003 वाली शेप है। और इसकी ये बॉडी क्लैडिंग से भी आपको आइडिया हो जाएगा कि जो इसकी बॉडी क्लैडिंग है दरवाजे पे जो लगी होती है, क्योंकि ये FJ150 के अंदर जो 2015 या 2020 वाली आती है उसके अंदर ये नहीं होती, ये गुलाइयाँ उसके अंदर नहीं होती। ये इसकी बैक लाइट्स हैं जो FJ120 और FJ150 की फिटिंग की गई है। आप इसको गैस नहीं कर सकते हैं कि ये FJ120 जा रहा है या FJ150 जा रहा है, ये FJ150 में कन्वर्ट हो चुका है 2020 मॉडल के अंदर। ये इसकी बॉडी के अंदर इंस्टॉल की गई है, इसकी सेम उसी मॉडल की लगाई गई है जिस मॉडल का इसको सामान फिट किया गया। अभी इसका काम हो रहा है, अंडर प्रोसेस है, मैंने सोचा आपसे इसकी वीडियो शेयर करता जाऊं। ये सब लोगों के लिए एक यूनिक चीज़ ही होगी, पाकिस्तान में पहली जो ऐसी गाड़ी तैयार हुई होगी जो कि टीम कार गुरु की जानिब से तैयार की गई है। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन अगर कोई कस्टमर पैसे खर्चने वाला हो तो सब कुछ किसी भी तरह का काम करवाना चाहिए। जैसे इससे पहले तो हम वीडियो आपसे शेयर करते रहे हैं कि वीगो को रिवो में कन्वर्ट करते रहे हम, ये देखिए अभी भी वीगो दो लगे हुए हैं, एक ये है इसको भी रिवो में कन्वर्ट किया जाएगा, और ये भी वीगो है इसको रिवो में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। ये देखिए, ये तो आप पहले देख ही चुके हैं कि हमने कितनी वीडियोस लगा दी हैं। अब एक ये नई चीज़ थी कि प्राडो FJ120 को FJ150 में कन्वर्ट किया जा रहा है। अब ये देखें, अब ये आपके सामने है ये FJ150। अब इसको बॉडी किट लगाई जाएगी, बॉडी किट इसकी ये पड़ी हुई है,
जब ये कंप्लीट होगी तो फिर मैं आपसे इसकी भी वीडियो शेयर करूँगा। अभी ये गाड़ी कंपाउंड पॉलिश हो रही है, काम अभी अंडर प्रोसेस है। अभी कुछ इसके काम रहते हैं, यहाँ पर अभी फेंडर मिरर लगाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अभी इसका फेंडर मिरर लगाया जाएगा। गाड़ी तकरीबन अब सारी कंप्लीट हो चुकी है, तो फाइनल पोजिशन पे है, इसके साइड भी ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि इसको आप जो माल किट्टी के साइड में लगाने की कोशिश की जाएगी, थोड़ी सी आदत में होगी वो भी फिट कर देंगे, पुराने के पराठो वाली भी लुक है इस साइड में, ठीक है। ये जो है बाइक की ये आती है आज 120 के अंदर, पराठो 2003-4-5 मॉडल के अंदर ये वाली बॉडी ग्लाइडिंग आती है, पराठो के अंदर नहीं आती है। तो आप इसको इंटीरियर से जो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये FJ 120 है, यानी कि पराठो 2003 वाली शेप है ये, ठीक है। ये देखें डैशबोर्ड से आपको पता चल रहा होगा, इसके मीटर से, क्लस्टर वगैरह से, इंटीरियर से, ठीक है। ये पराठो 2003 वाली शेप है, ठीक है। इसको हमने 2020 मॉडल के अंदर कन्वर्ट किया है, जो कि पाकिस्तान में पहले कभी नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह ये टीम कार गुरु ने कर दिखाया। इस तरह की वीडियोस आपको और भी मज़ीद मिलती रहा करेंगी। आप जिसने हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, तीन बार करो, ताकि इस तरह की मज़ीद जो अल्टरनेशन फॉर करते हैं और इस तरह की आपको मिलती रहती है। ये बैग लाइव से ये देखिए बिल्कुल एच टू एच कटिंग की गई है, जितनी इसकी ज़रूरत थी। इसमें और उसमें फ़र्क होता है लाइट में, हमने देखा कि उसकी लाइट गोल होती है, ठीक है, लेकिन उसको एक्स्ट्रा कटिंग करके उसके साथ शेप के साथ मैच किया गया। ये किट देखिए, ये बॉडी किट है उसकी, जो बॉडी किट को बाकायदा ये देखिए। अब इसके ऊपर थोड़ा डस्ट वगैरह है क्योंकि कंपाउंड हो रही गाड़ी, ठीक है। ये लाइटें हैं, यहाँ सर आपको बिल्कुल गैस होगा, ये हैंडल से या इसी चीज़ों से गैस हो जाएगा। तो ये 120 है, पुरानी शेप है 2003 वाली, जिसको 2018 या 2020 के लिए कन्वर्ट किया गया है। 2000 जो है उसके अंदर जो है ऑप्शन आती है, इसके पीछे टायर लगाया था, तो टायर लगा हुआ है, इसके हमने ऑप्शन खत्म नहीं किया, डिग्री को चेंज नहीं किया, ये चीज़ें वैसे ही जनरल रहने की हुई हैं। ज़्यादा बात है और स्पेशल है, इनफैक्ट कोई चीज़ तो नहीं है, तो इसके पीछे कवर भी लगाया जा सकता है, ठीक है। लाइट देखिए, यहाँ से आपको भी गैस हो जाएगा कि ये 2003 वाली शेप है, जिसको मैं 2020 में कन्वर्ट किया था। अब ये गाड़ी कंपाउंड हो रही है, ये देखें साइड लुक जो है इसकी प्रॉपर जो है ना FJ 150 वाली आ रही है, 2020 वाली इसकी लुक आएगी, यूँ देखेंगे तो ये देखिए। लेकिन पीछे से देखने वाला परेशान एक बार ज़रूर होगा कि यार ये गाड़ी के पीछे टायर क्यों लगाया गया, और प्रोडक्ट भी जो है वो 2020 वाली की स्क्रीन भी छोटी है, उसकी शेप का भी फ़र्क है, पीछे वो लगा होता है प्राडो जो 20 मॉडल है उसके पीछे वो गार्निश भी होती है प्राडो की बड़ी वाली, ये इसमें ऐसा फ़र्क क्यों है। तो जो तो जिन्होंने गाड़ी रखी हुई है FJ 120 वो एक दफ़ा ज़रूर सोचेंगे, और जिन्होंने पराठो रखी हुई है वो भी एक दफ़ा सोचेंगे कि ये गाड़ी की शेप पीछे से क्यों डबल माइंडेड कर रही है। तो उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि ये गाड़ी को 2003 वाली को 2020 में कन्वर्ट किया गया, जो कि आज से पहले शायद ही किसी ने इस तरह का काम करने की कोशिश की हो, अगर की भी हो तो पता नहीं कामयाब हुआ है या नहीं। इससे पहले मैंने तो नहीं देखी कोई गाड़ी पाकिस्तान में कि जो हुई हो 2003 को
लेकिन पूछते मेरे से बहुत से कस्टमर थे यार इसका फेसलिफ्ट है, इसका फेसलिफ्ट है। बेसिकली इसका ये प्रॉपर फेसलिफ्ट नहीं है, ये तकरीबन ऑल्ट्रेशन ही है। ये सारी गाड़ी की आगे से ना फेंडर्स के उतार दिए गए हैं, बोनट बम्पर शम्पर हर चीज़ ऑल्ट्रेशन करके लगाई गई है। तो जारी बात है जब किसी ओल्ड मॉडल को न्यू में कन्वर्ट करते हैं तो ऑल्ट्रेशन तो होगी। जैसा मैं बताया था कि साइड मिरर लगने हैं, साइड मिरर के लिए उसके लिए थोड़ी ऑल्ट्रेशन होगी, तो पावर विंडो वाले साइड में लगाए, पावर वाले साइड में लगाए जाएंगे। ठीक है, ये टेस्ला जो है इसके अंदर इंस्टॉल किया गया आपके 120 के अंदर में। ये सनरूफ है इसका, इसकी जो बॉडी क्लैडिंग है साइड से जो है ना जिन्होंने तो गाड़ी रखी हुई है वो तो गैस कर लेंगे कि ये कौन सी गाड़ी है साइड से, लेकिन अदरवाइज जो नया बंदा है उसको जिन्होंने गाड़ी ये नहीं रखी या जिसको ज़्यादा गाड़ी का नॉलेज नहीं है वो तो बंदा कैसे नहीं कर सकता। वीगो टू रिवो तो मामूल के मुताबिक हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये गाड़ी पेंडिंग में पड़ी है, इसका काम बाद में किया जाएगा। ये भी वीगो है, इसको रिवो में कन्वर्ट करना है। अभी ये वीगो है, ये कन्वर्ट हो रहा है, इसका काम अंडर प्रोसेस है। ठीक है, ये देखे ना इसकी लाइट की कलिंग, कुछ कस्टमर कहते थे कि वो वीगो और रिवो के ना शेप का फ़र्क आता था। ये देखें, ये इसकी गुलाइयाँ काट के पीस बना के लगाए जा रहे हैं, इसका पीस बिल्कुल सीधा होता है, लेकिन रिवो का इसके अंदर ना कुछ कर्व आता है, वो कर्व देने के लिए इसको ये किया जा रहा है। ठीक है, वीगो को तो हम डेली रिवो में कन्वर्ट करते हैं, एक दो गाड़ियाँ आ जाती हैं जो कि एक हफ्ते का काम है लग जाता है। अभी कुछ कस्टमर पेंडिंग पर रखे हुए हैं क्योंकि क्वालिटी जो है ना वो आपकी बताती है कि काम कैसा है। ये देखें, ये एक और रिवो खड़ा हुआ है, वीगो है, इसको रिवो में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसका भी सारा काम पेंट का था, पेंट जॉब था और कुछ इसकी कन्वर्जन ये फिट हो रही है। ये देखें, ये सामने से बल्क हेड जो है ना वो रिवो की फिट हो चुकी है। अब इसका काम होना है, ये इसका बोनट है, वो दरवाजे हैं तो वो तो काम हो रहा है। अलैकुम फ्रेंड्स, ये देखें, ये आप देख रहे हैं कि ये प्राडो है 2018 वाली शेप, 19-20 तक यही आई है। अब आप सोच रहे होंगे ये प्राडो तो पुरानी शेप होगी 2012-13 वाली, इसको कन्वर्ट किया गया। जी नहीं सर, ये है 2003 वाली शेप, 2001-2003 में जो आई थी FJ120, ये उसको 2020 के अंदर कन्वर्ट किया हमने। ये आई थिंक फर्स्ट गाड़ी होगी पाकिस्तान के अंदर जिसको 2020 में 2001 से लेके 2020 तक कन्वर्ट किया गया। आपको ये आइडिया हो जाएगा, ये देखें बॉडी क्लैडिंग से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, बॉडी क्लैडिंग से भी अंदाज़ा हो जाएगा और इसकी ये इंटीरियर से भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर टेस्ला भी इंस्टॉल किया गया। ठीक है, ये आपको मैं इसका इंटीरियर दिखाता हूँ। मीटर देखें, ये इसका मीटर है, ये 2001-2003 वाली शेप है, 2002-2005 तक आई है, ये उसका मीटर है। इसमें टेस्ला भी इंस्टॉल किया गया,
अब इसको मैं, ये कंप्लीट रह लिया, अब मैं आपको इसकी बैक साइड से व्यू दिखाता हूँ। ये 2001-2003 वाली शेप है पुरानी, इसको 2020 मॉडल में कन्वर्ट किया गया है। ये GX है, लेकिन लोगों से आपको अंदाजा होगा ये GX मॉडल है और इसकी इस शेप से आपको अंदाजा होगा ये पुराना मॉडल है, उसको 2020 के अंदर कन्वर्ट किया गया, ठीक है। ये इसकी फ्रंट लाइटों, लाइट्स देखिए इसकी, जो नए मॉडल की शेप है उसमें काफ़ी स्पेस होती है, ठीक है, और सीटें भी, सीटों का भी फर्क होता है, इंटीरियर के साथ आपको अंदाजा हो रहा होगा। अभी इसके सिर्फ साइड मिरर रहते हैं, साइड मिरर लगेंगे तो ये गाड़ी कंप्लीट हो जाएगी। आज डिलीवर करनी है गाड़ी, इसकी मैं पार्किंग ऑन करता हूँ। ये देख, आपको ये बिल्कुल जो लुक है ना इसकी, ये प्राडो बिल्कुल फाइनल टच के ऊपर है, थोड़ा सा काम इसका माइनर सा रहता है, वो भी कंप्लीट हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। हाँ जी, हाँ जी, पानी को छक के नहीं।